गुड मॉर्निंग गोंगलू जनाब। आज नाश्ते में अपना पसंदीदा सालन, अगर अच्छे बने हो ना तो गोंगलू काली काली तोरियां, ये बड़ी टेस्टी होती हैं अगर कोई अच्छा बनाने वाला हो। कल क्योंकि बारिश होती रही सारा दिन, तो ये देखें यहाँ पे एक फूल था जो कि बारिश में ना बिखर गया सारा ये। और यहाँ पे ये देखें ये कुछ नए फूल अब खिले, यानी कि एक वक्त में बारिश कुछ फूलों के लिए तो ये रहमत है और कुछ के लिए जहमत है। मतलब कि दुनिया में हर वक्त इसी तरह चलता रहता है, कुछ काम किसी के लिए अच्छे साबित हो रहे होते हैं, कुछ के लिए बस वो गलत साबित हो रहे होते हैं। माना जी है कि लैंड आ जी लेला रखे करवानी में ते अच्छा कोटियां बड़ियां पाई है ठंड लगदी से बेसुंडी बन्ने ना राती मंडी तो ले आ जी। हां मंडी तो आंदा है। किन्ने दा ले आ ये आंदा है 43,000 दा। कदों हो गए 4 को महीने। अच्छा अच्छा ऐसी ले ले और ये सब ठीक। कल बड़ी बारिश हुई है, बड़ा शानदार सुहाना मौसम बन गया, लेकिन पानी बारिश का अभी भी खड़ा है। इधर जनाब हम लूसन होश कर रहे हैं, अब धूप थोड़ी आना शुरू हो गई है ना, तो अभी ये लूसन खुश करने का काम भी तेज़ है। इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी हवा चल रही है, धूप निकली है तो दिल कर रहा है कि अब बैठ के धूप में बैठ के ना मूलियाँ और घोंगलू भी खाएँ। तो ये जनाब मूलियाँ घोंगलू पखेड़े जा रहे हैं। ये देखें ये गोभी थी, तो जब गोभी पक गई ना तो इस तरह इसके फूल बन गए, इस तरह ये है। ये देखिए ये गोभी का फूल, इस पे अब बीज लग जाएगा इस पे, और फिर ये बीज उतार के रख लेंगे और अगली जब फसल लगाएंगे ना इसमें इसी का बीज इस्तेमाल हो जाएगा। ठंडी हवा चल रही है जी, और देखें कुदरती ज़िंदगी के जो नज़ारे हैं। अभी ये हमने ये मूलियाँ घोंगलू खाए हैं इधर अपने काश्त किए हुए, ये देखें जानवरों के लिए चारा खुश कर रहे हैं, चारा भी ये सामने लगा हुआ है, सब्जियां भी यहाँ पे लगी हैं, साफ पानी की ऑर्गेनिक है। कुदरती ज़िंदगी का अपना ही एक मज़ा है। आजकल जो फूड सिक्योरिटी के मसले बन रहे हैं, लोगों को खाने के लिए चीज़ें अच्छी हालत से नहीं मिल रही, आगे महंगाई में चीज़ें मिलना भी मुश्किल हो रहा है, तो सबसे बेहतर हाल जिसके पास ज़मीन है वो इस तरह किचन गार्डनिंग करे, अपनी छोटे छोटे पौधे लगाए मुख्तलिफ चीज़ों के, एक साफ़ सुथरा माहौल होता है, खुली जगह पर बैठ के खाना, साफ़ सुथरी चीज़ें घर के लिए लेके जानी, तो ये बड़ा एक ना बंदे को सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ये काम करके। बतहें भी इंजॉय कर रही हैं जी पूरा, 3 बतहें तो हमने खा दी थी, कुल 20 थी, 17 अभी भी बड़ी है चाको चबंद एक्टिव है। ये तो बड़ा सख्त जान जानवर है, इसे सर्दी गर्मी का ना इतना असर को नहीं होता, हालांकि सर्दी भी पड़ी है काफ़ी पिछले दिनों में, लेकिन इनमें कोई भी डील नहीं हुई। अब तो कुत्ती के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो अंदर पिंजरे में देखो, हिम्मत करके कुत्तों के पास जाना थोड़ा सा, चैलेंज आ गया जी।
डकवास मैंने बाल्टी में इतनी सारी रोटी भी पका के थी सुबह को दी है, और वो मकई कनक भी दी वो भी खा गई, और फिर शक्ल देख रही मैं कहाँ से उनको इतना सारा पूरा करूँ। ज्यादा खाती है डक्की? बहुत ज्यादा खाती है। आपसे भी ज्यादा? नहीं, मैं तो बदनाम हूँ ना। मर गया। चले फिर जाके उन्हें डाले। एक कामरान हमें अब अपनी चंद दिनों तक लव स्टोरी सुनाएगा। नहीं, मैं दुनिया की नहीं बताऊंगा। मैं सर आपको दोस्ताने माहौल में बताना चाह रहा था कि आप अकेले, तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो कोई बात नहीं ना। मैं ऐसे मीडिया को बता दूं, मीडिया ने मजाक ही बनाने, ऐसी कौन सी बात है। चले जी, हम अलहदा से इनकी लव स्टोरी सुन के फिर आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है, मुझे ऐसे भाई से डर लगता है ये बदनाम कर देंगे बाद में।